जो है आ जाने वाला है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 47। इसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इसमें हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं जो म्यूचुअल फंड है वो क्या होते हैं, इसके बाद में जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में हम जानेंगे, फिर इसके जो टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के उसके बारे में हम जानेंगे, एंड इसके बाद में जो हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड के जो बेनिफिट हैं वो क्या होते हैं, और इसकी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर में इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, एंड देन हम देखने वाले हैं कि इन जो इकोनॉमी जो आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो देन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, कर देंगे हमारा सेम हैंडल है @successnetra, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर, आपके जो सजेशन हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम जो म्यूचुअल फंड है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो जो म्यूचुअल फंड है उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल दैट इन्वेस्ट मनी इन सिक्योरिटी सच एज स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी बाई कलेक्टेड मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। अगर हम सिंपल टर्म में बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो ये होता क्या है कि जैसे कोई भी एक आम इंसान है तो उसके पास में अगर फंड है, उसके पास में पैसा है, तो उसके पास में पैसा तो है लेकिन उसके पास में नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसके पास में किस चीज़ की नहीं है कि उस फंड को वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, और जो वो उसको इन्वेस्ट करेगा तो उसमें क्या उसको बेनिफिट होगा, क्या उसको लॉस होगा, उसको किस पर मतलब उसको जो शेयर मार्केट है या स्टॉक मार्केट है या बॉन्ड है उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको अपने जो फंड है उस पर उसको रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है कि वो म्यूचुअल फंड का सहारा लेता है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि जो एजेंसी होती हैं या कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और जो भी लोग होते हैं उस ग्रुप के अंदर या फिर उस एंटिटी के अंदर या फिर उस कंपनी के अंदर आप बोल सकते हैं, वे सब लोग जो प्रोफेशनल होते हैं और क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, यानी कि उन पर्सन के पास में जो आपकी स्टॉक मार्केट होते हैं, जो शेयर मार्केट होते हैं, उनके पास में उनकी काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। तो वे क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आम आदमी से पैसा इकट्ठा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करने के बाद में उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो भी रिटर्न होता है वो रिटर्न आपके जो जिसका भी पैसा होता है उसको उसी के रेशियो में प्रोवाइड करते हैं। और इस सब चीज़ के लिए जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन है कुछ फीस चार्ज करते हैं, जो उनका एक तरह से इनकम सोर्स होता है, यानी कि पैसा किसी और का है और अपनी नॉलेज के बेस पर लोगों का पैसा इकट्ठा करके जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो आपकी स्टॉक मार्केट है या गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी होगा, उसमें इन्वेस्ट करने हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यानी कि पैसा एक इंसान का है, इन्वेस्ट ये शेयर मार्केट में कर रहा है, वो इसके पास में जो मीडिएटर है, जो एक कंपनी है, इसके पास में कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास में अच्छी खासी नॉलेज है मार्केट की। तो इससे होता क्या है कि जो एक आम आदमी है वो भी अपने जो पैसा है उससे अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकता है, वो भी एक मतलब मिनिमम रिस्क पे, क्योंकि उसका जो पैसा है उसको हैंडल कर रहे हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्संस। तो आई थिंक आपको जो म्यूचुअल फंड है उसको इन ब्रीफ आपको समझ में आ गया होता है, आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड होता है वो होता क्या है। अब हम बात करें, अगर हम म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री की बात में करते हैं, सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बेल्जियम के अंदर, वो थी ईयर 1882 के अंदर बेल्जियम के अंदर में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद में जब ये 1920 आया, यानी कि 1920 के आसपास की बात है, तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में भी ये पॉपुलर हो गया। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में जो म्यूचुअल फंड है वो आपका LIC ने जो इंट्रोड्यूस किया था 1989 के अंदर में इंट्रोड्यूस किया था। और अगर हम बात करते हैं GIC की, GIC ने दिसंबर 1990 के अंदर में जो म्यूचुअल फंड है वो इंडिया के अंदर में लेके आए थे। और अगर हम बात करते हैं, ये तो आपके LIC और जो आपके GIC है दोनों गवर्नमेंट एंटिटी होगी। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जो कोठारी पाइनर था, उसने 1993 के अंदर में जो म्यूचुअल फंड है वो इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया था। होपफुली आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको क्लियर हो गई। इसके अंदर में आपका जो प्रीलिम्स होता है उससे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है। तो देन सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के टाइप की बात करें तो मेनली इसके 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है इक्विटी फंड, देन आपका आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, देन आपका आता है डेबिट म्यूचुअल फंड्स, एंड देन आपका आता है फिक्स्ड इनकम फंड्स, एंड इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अगर हम बात करते हैं इक्विटी फंड की, तो इक्विटी फंड एक तरह का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अंदर में क्या होता है, आपकी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, यानी कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न इस पे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपका जो पैसा है डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें
मोस्टली होता है क्या है कि आपका पैसा है उसका एक लार्ज सम क्या है कि उसमें ऐसी कंपनी के अंदर में ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे आपके जो रिटर्न्स हैं उसके हाई चांसेस रहते हैं। लेकिन जो आपके शेयर मार्केट की या फिर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, यहाँ पे आपके जितने रिटर्न्स आपके हाई होने की संभावना होते हैं उतना ही वहाँ पे आपका रिस्क भी हाई इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम इक्विटी फंड की बात में करते हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इसमें आपको हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड से आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड क्या होता है, दो चीज़ों का एक मिश्रण होता है। तो अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो इसमें क्या है कि आपके जो एसेट्स होते हैं, आपका जो पैसा होता है उसके उसको जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक से अधिक आपके एंटिटी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाता है कि आपका कुछ पैसा इक्विटी फंड के अंदर में लगा दें, कुछ आपका डेब्ट के अंदर में लगा दें, कुछ आपका स्टॉक्स के अंदर में लगा दें, या फिर कुछ आपकी जो गवर्नमेंट की फिक्स्ड रिटर्न वाली जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर में वो डाल देंगे। तो यानी कि इसके अंदर में जब हम बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, तो इसके अंदर में आपका जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है और इसका जो मेन एम होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मिनिमम रिस्क के ऊपर एक मॉडरेट रिटर्न प्रोवाइड करना है। यानी कि अगर हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसके अंदर में जो रिटर्न्स होते हैं वो आपके हाई रिटर्न्स नहीं होते लेकिन मॉडरेट टू हाई रिटर्न्स में होते हैं, मतलब मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट टू हाई की जो रेंज आती है वो इसमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में आपका जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर में क्या होता है, आपका कुछ फंड्स तो आपका बिल्कुल ऐसे फंड्स ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाएगा जहाँ पर मिनिमम रिस्क होता है और कुछ फंड का जो कुछ परसेंटेज है वो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स वाले फील्ड में आपका इन्वेस्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं मॉडरेट टू हाई आपके रिटर्न्स होते हैं और आपका जो रिस्क है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड मेनली होता है क्या कि वो जो शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट गोल होते हैं उनको मीटअप करने के लिए आपका जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है उनको उनमें आपका पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर में क्या है कि इसके अंदर में जो आपका पैसा है इन्वेस्ट किया जाता है आपका गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर, या फिर कोई कॉरपोरेट है, कोई अच्छी कंपनी है, उसके उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो अपनी वो सिक्योरिटी सेल्स कर रही है, तो उसके अंदर में डेप्ट म्यूचुअल फंड से अगर हम बात करें, सिंपल सी बात मैं आपको इन सिंपल वर्ड अगर बात मैं करूँ कि अगर मान चले कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो क्या करती है, अपने कुछ बॉन्ड्स रिलीज कर देती है। मेनली अगर आप बात करते हैं यूएस है तो यूएस क्या करते हैं कि आपके जो डॉलर है कुछ बॉन्ड्स रिलीज कर देते हैं और उसके बदले में जो अदर कंट्रीज हैं वो उन बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं और उस पर कुछ फिक्स रिटर्न देते हैं कि अगर आप हमारे बॉन्ड खरीदेंगे तो इस बॉन्ड पे हम 8%, 7%, 10% कुछ हम रिटर्न देंगे। तो वहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट की गारंटी आ जाती है। ऐसे होता है कॉरपोरेट के हाथ में, अगर कोई अच्छा कॉरपोरेट सेक्टर है जिसकी एक अच्छी गुडविल है तो वो भी उसको अगर जब कोई अपनी नई एंटिटी लगाने होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, कोई नई चीज़ उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना है तो उसको जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी अपने कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करता है। तो उन सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए जो उसको मार्केट से फंड उठाता है तो उसको बोलते हैं हम डेप्ट म्यूचुअल फंड। यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर आपका कोई कॉरपोरेट सेक्टर है वो जनता से डेप्ट ले रहा है, यानी कि उधार ले रहा है, तो इसमें जब आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड। इसके अंदर में आपका जो रिस्क होता है वो लो होता है क्योंकि एक तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है आपके पैसे के लिए, तो आपका रिस्क वैसे ही मतलब मिनिमम हो जाता है। कुछ जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनको अगर हम छोड़ दें, जैसे अभी श्रीलंका के अंदर में होता है, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अपने आप को इंसॉल्वेंट मतलब एक तरह से बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था कि मैं जो अपनी सिक्योरिटीज़ अपने जो बॉन्ड इश्यू किए थे मैं जिन लोगों से पैसा लिया था उनको मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगी। तो वो रेयर केसेज होते हैं, तो अगर हम उनको छोड़ दें तो आपका यहाँ पे पैसा जो है आपका मिनिमम रिस्क पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो आपके थोड़े से मॉडरेट यहाँ पे आपके रिटर्न्स होते हैं, यानी हाई रिटर्न यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, मॉडरेट टू हाई भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मॉडरेट रिटर्न्स मिल जाएंगे लो रिस्क के ऊपर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिक्स इनकम फंड्स की, फिक्स इनकम फंड्स के अंदर में क्या होता है कि ये आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको मीटअप करने के लिए होता है। ये बिल्कुल सेम इसी की तरह ही होता है आपका जो आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल उसी की तरह ही होता है, लेकिन इस पर जो आपका है जो आपके डेप्ट म्यूचुअल फंड है ये आपके शॉर्ट टर्म गोल को मीटअप करने के लिए होते हैं, वहीं आपके जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं वे आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको मीटअप करने के लिए होते हैं। इसके अंदर भी जो आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो मिनिमम रिस्क फैक्टर होता है और इसके अंदर में आपको जो मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन जो मॉडरेट रिटर्न्स होते हैं ये आपके जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है उसके कंपेयर में थोड़े से यहाँ से कम
होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसके जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर में क्या होता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हम सोच रहे हैं कि भाई मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, अपने बच्चे की जब वो 12th या प्लस 2 या फिर ग्रेजुएशन करेगा पीजी करेगा तो मुझे उसके एजुकेशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए हमको पैसा इकट्ठा करना है, या हम अभी किसी फर्म के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास में कोई प्रॉपर रिटायरमेंट जो है उस कंपनी की पॉलिसी नहीं है, तो हमको अपने रिटायरमेंट को देखने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमारे को रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पैसा पर मंथ या फिर इकट्ठा मिलता रहे, तो उस सब को बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें जो ये म्यूचुअल फंड है ये आपकी जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ओरिएंटेड करके इन म्यूचुअल फंड को बनाया जाता है, लाइक आपका चाइल्ड एजुकेशन हो गया, आपका जो रिटायरमेंट प्लान हो गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फंड है वो क्रिएट किए जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये मेनली आपके जो लॉन्ग टर्म्स ये इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है। आई थिंक आपके जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है ये भी आपके क्लियर हो गए होंगे। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं जो बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर में एक मिनिमम अमाउंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मिनिमम SIP के थ्रू में हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ तो आप आज में फंड आ गए हैं जो आपको 100 रुपये पर मंथ या फिर 500 रुपये पर मंथ से भी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट के साथ भी आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा यहाँ से आप अमाउंट या फिर एसेट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं नॉमिनल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें हम 100 रुपये 500 रुपये इतने सकते हैं जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हैबिट हमारी इंक्रीज होती है वो भी एक मिनिमम अकाउंट के साथ में। सेम चीज़ है कि आपका जो पैसा है वो प्रोफेशनल्स के हाथ में होता है, तो अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई आदमी बहुत ज़्यादा बिजी हो तो इतनी चीज़ें न भी कर पाए, तो आपका जो पैसा है प्रोफेशनल्स के हाथ में होता है, तो इस वजह से जो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी मिनिमम कहीं ना कहीं हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप खुद से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप प्रोफेशनल नहीं है। सेकंड क्या है कि जो इसमें जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, वो आपको पार्शली या फिर इंटायर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ फैसिलिटी भी देती है। यानी कि आप मिड टर्म के अंदर मान के लिए कि आपने 5 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड लिया है, तो उसके बाद उसके बीच में अगर आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो आप उसमें तो पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप उसमें पूरा का पूरा पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी भी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर में दी जाती है। इसके साथ में है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप भी जब भी चाहें तो आपके जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा आपका जो है इन्वॉल्व हुआ है उसको आप देन अदर फंड के अंदर में स्विच भी कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि मतलब हाँ इसके अंदर रिटर्न अच्छे हैं, देन आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, स्विचिंग फैसिलिटी भी आपको इसमें मिलती है। ये नहीं है कि आपने FD करा दी है आप SBI के अंदर में तो आप इसको 7 साल से पहले या 10 साल से पहले निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर में नहीं होता है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट है कुछ टैक्स बेनिफिट भी देती है, अगर आप मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर में टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है, जिससे आपकी जो टैक्स है उसकी भी बचत हो जाती है। सेकेंड आप क्या है जो आपकी चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें या फिर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको भी पैसा को एक्यूमुलेट करना, पैसे को अपने पास में इकट्ठा करना वो आसान हो जाता है, क्योंकि अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होता है देन वो इंडिविजुअल इंसान के पास में जाके पैसे की डिमांड उनको नहीं करनी पड़ती, वो सिंपली कोई भी म्यूचुअल फंड है उसके पास में जाते हैं एंड उससे पैसा ले लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ईजियर हो जाता है पैसे को इकट्ठा करना और नई इन्वेस्टमेंट जो उनको करनी है उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं एज कंपैरेटिवली ईजी होता है म्यूचुअल फंड के होने से। सेकंड क्या है कि आपकी जो पीरियडिकली इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आप चाहे मंथली कर सकते हैं, चाहे आप 3 मंथ, चाहे आप क्वार्टरली करें या फिर आप हाफ ईयरली करें या फिर ईयरली करें, तो आप किसी भी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट प्लान अपना ले सकते हैं और आपका जो उस इन्वेस्टमेंट के प्लान के थ्रू आपके जो अपने जो आपके पास में जो पैसा है उसको आप ग्रो कर सकते हैं एक अच्छे रिटर्न के साथ में। एंड सबसे बड़ी बात ये ईजी टू यूज है, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलती, आप सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन अपने टैबलेट या फिर लैपटॉप की सहायता से या फिर ऑन कॉल भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है ऑन कॉल भी आप उनसे हेल्प लेके इन के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इजी टू यूज है। अगर हम बात करते हैं सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके साथ में अगर जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है उससे रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम के अंदर में क्या आ जाते हैं, सबसे पहली बात हालांकि नॉमिनल होती है जो आपका जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि आपका जो फंड है उसको जो लोग जो प्रोफेशनली स्किल्ड जो पर्सन हैं
वो जो प्रोफेशनल है वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए जो वो कुछ फी है वो चार्ज करते हैं। हालांकि जो फी उस कंपेरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं होती है, मिनिमम होती है, लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको ये डिस्करेज करती है ये फीस, एक तो ये है। सेकंड क्या है कि आपकी कुछ आपकी एंटिटीज ऐसी हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आपसे अगर आप पार्शियली विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर आप कंप्लीटली अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं इन बिटवीन टर्म, तो उस पर कुछ वो एग्जिट फी लगा देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज या फिर डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट में। सेकंड क्या है कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर में मिलेगा कि आपको लॉक इन पीरियड मिलता है, मतलब चलिए अगर आपने फंड किसी फंड के अंदर में आज पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपको एक बोलेंगे कि आपके पास में 5 साल का लॉक इन पीरियड है या फिर 4 साल का लॉक इन पीरियड है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे इन्वेस्टर हैं उसको लगता है कि अगर 5 साल के अंदर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा। तो ये भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहती है कुछ फंड्स के अंदर में, लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है। हालांकि कुछ फंड आपको इमीडिएट विड्रॉल की फैसिलिटी भी देते हैं। इसी के साथ में जो सिक्योरिटी मार्केट है उससे जुड़े बहुत सारे स्कैम्स भी हमारे सामने आते हैं, तो उससे भी लोगों के मन में एक डर का माहौल बना रहता है। एक जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज की, तो उसके अंदर में लोग अच्छे खासे अवेयर आज के समय में हैं, क्योंकि पूरा डिजिटली वर्क हो रहा है। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है तो लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जिनके पास में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है म्यूचुअल फंड को लेके, तो वो भी हमको थोड़ा दिक्कत देखने को मिलती है। सेकंड आ जाता है इसमें रेगुलेटरी प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी एंटिटीज हैं हालांकि वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ अगर हम इम्प्रूवमेंट करें या फिर उनका जो रेगुलेशंस है उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिससे कि आपके जो स्कैम्स होते हैं जो फ्रॉड्स होते हैं वो ना हो, तो ये भी हम इसमें एक देख सकते हैं चीज़ें। और एक ये है कि जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन, जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिमिटेड है। जैसे आपका सिंपल हो गया, आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया, फिर आपका एजुकेशन प्लान हो गया, कुछ मतलब लिमिटेड प्लान्स ही हैं इंडिया के अंदर में। जबकि अगर हम बाकी अगर कंपेयर करते हैं डेवलप्ड नेशन के पास में, डेवलप्ड नेशन के पास में कंपेरेटिवली अधिक ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में म्यूचुअल फंड में, जिससे वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अब एक अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर में लोगों के पास में कम ऑप्शन है सुनने के लिए, बाकी डेवलप्ड नेशन में आपको अधिक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। होपफुली आपको जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर हो गई होगी, सेम आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप हो गया है। एंड इसके साथ में अगर हम बात करें कि जो सजेशंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड मार्केट है अगर हम उसको अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ सजेशन हो सकते हैं। एक तो है कि जो आपका सेबी है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको अपने जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए जिससे कि आपकी जो मिस लेबलिंग है या फिर मिस सेलिंग वो प्रोडक्ट है। जैसे आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं या फिर टीवी में या फिर मोबाइल पे या फिर आप कुछ भी देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो आपके जो फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको मतलब एक तरह से मिस लेबल या फिर मतलब जो उसके अंदर में प्रॉपर चीज़ है मतलब उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको दिखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि उससे जो एक कस्टमर है जो एक इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो जो मिस लेबलिंग और जो मिस सेलिंग है प्रोडक्ट की ना हो, तो उसको भी लेकर जो सेबी है उसको थोड़ा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास में रूल एंड रेगुलेशन है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको अच्छे तरीके से लागू करें जिससे हम जो स्कैम्स हैं जो फ्रॉड्स हैं उसको कम कर सकें, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो बढ़े म्यूचुअल फंड को लेके। आपका जो KYC प्रोसेस है हालांकि वो काफ़ी सिंप्लीफाइड अब तो हो गया है डिजिटल इंडिया के आने के वजह से, तो हमारे KYC प्रोसेस है उसको भी हम सिंप्लीफाइड करने पे काम कर सकते हैं। जैसे आपका जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसको लिंक करके सेम ETC आदि हम चीज़ें कर सकते हैं। एक जो है हमको जो रिमोट लोकेशन है उसको हमको जो अवेयरनेस है उनको फैलाने की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसके लिए हम आकाशवाणी का सहारा लें या फिर टेलीविजन का सहारा लें या फिर हम न्यूज़पेपर का सहारा लें, तो उसके थ्रू भी हमको जो अवेयरनेस है वो रिमोट लोकेशन के अंदर में जो है फैलाने की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम ग्राम पंचायत है उनका भी सब सारा हम ले सकते हैं। और एक जो विड्रॉल प्रोसेस है उसके अंदर उसको हमको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको मोबाइल से इमीडिएट विड्रॉल की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन कुछ के अंदर में क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर एंटिटी के अंदर में जाना पड़ता है और वहाँ से जो विड्रॉल प्रोसेस है कुछ हैक्टिक होता है वो, तो उसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसको भी हमको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जिससे हमारा जो इन्वेस्टर है उसको एक ट्रस्ट रहे कि जब भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी देन मैं आपको विद इन मिनट उस पैसे को अपने अकाउंट में ले सकता हूँ। और जो इसके साथ में अगर हम विड्रॉल फी है उसको भी हमको अगर हम कम करने पर ध्यान दें देन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ में अधिक
अट्रैक्ट होंगे। हालांकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव साइड है वो एज कम्पेयर टू ज़्यादा है नेगेटिव साइड्स के। तो ये कुछ सजेशन हो गए हैं आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको लेकर। सेम यहाँ पर मैंने आपके हिंदी में भी टाइप कर दिया है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स प्लीज़। और अगर आपको जो लेक्चर पसंद आया देन हिट द लाइक बटन। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है सक्सेस नेत्रा। इसी के साथ में इसकी जो लेक्चर की पीडीएफ है उसका ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।